सो गाइस ये वाला सूट मैं लेके आई थी, शॉपिंग वगैरह कर ली है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस मैं छील रही हूँ लौकी और आज बनेगी लौकी चने की दाल और मम्मी को दे रही हूँ मैं प्याज लहसुन, वो पीस देंगी, तब तक नीचे बैठी हैं वो। और आज मैं मुझे ना बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि मुझे कई बार मतलब मार्केट जाना है। आज सैटरडे मार्केट भी है जो स्ट्रीट मार्केट लगती घर के सामने, और मुझे आने के लिए भी कपड़े लेने हैं और अपने लिए भी, मतलब आज कंप्लीट रक्षाबंधन की शॉपिंग करनी है। तो फटाफट से ये मम्मी सब्जी छौंकने के लिए जा रही है तो मैं उनको लौकी वगैरह धुल के दे देती हूँ। और चने की दाल को हमने पहले ही भिगो दिया था और अभी बनाने जा रही हूँ मैं ओट्स। और क्योंकि आन्या भूखी थी तो मैंने सोचा ओट्स रखे हुए थे ख़राब हो जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि उसको बना दो, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट भी होता है। तो ये प्याज इसमें गोल्डन ब्राउन हो गया है, मैंने इसमें हल्दी डाल दी थी ताकि हल्दी भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और नमक और मिर्च डाल दिया है और थोड़ी सी एक चम्मच धनिया डाल दिए हैं। और मसाला ओट्स नहीं है, सिंपल वाले ओट्स हैं इसलिए मैं इसमें मसाला वगैरह ऐड कर रही हूँ, और ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊँगी क्योंकि आन्या खाएंगी और आन्या के इतने ज़्यादा फेवरेट हैं ओट्स। मतलब वो कोई चीज़ है जो खाती है ओट्स, वो बहुत ज़्यादा मन से खाती है। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है पानी और फ्लेम को फुली रखूँगी, जब ये खोल जाएगा उसके बाद मैं इसको ढक दूँगी। और फ्लेम को कर दिया मैंने स्लो, और ये स्लो फ्लेम पे क्योंकि ओट्स ना बहुत जल्दी बनते हैं, मतलब भाप हल्की सी लगती है तुरंत वो पक जाते हैं क्योंकि ज़्यादा वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ओट्स जो हैं वो बन चुके हैं, अभी मैंने इससे ढक के रख दूँगी थोड़े से ये नॉर्मल हो जाए, मतलब अभी बहुत ज़्यादा गर्म गर्म है इस वजह से। तो तब तक मैं आटा लगा के रख देती हूँ और मम्मी ने सब्जी छौंक दी है तो जब तक सब्जी बनेगी और एक तरफ ओट्स हमारे ठंडे होंगे तब तक मैं आटा लगा के रख दूँगी। और जब तक मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी तब तक जो हमारा आटा है वो सेट हो जाएगा। आटे को ना मतलब आप लोग सोचते होगे कि ज़्यादा मैं क्यों नहीं मतलब टाइम देती हूँ, क्योंकि ना ऐसा होता है कि अगर हम जल्दी में हैं तो ऐसे सेट करके रख दो, उसके बाद थोड़ा सा और मसल लो तो वो अपने आप सॉफ्ट हो जाता है। तो ओट्स जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करके फटाफट से रोटी बना के रख देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं आज। सो सारा काम वगैरह करके तो मैं फ्री हो गई हूँ और अभी जा रही हूँ नहाने के लिए, और उसके बाद मुझे मार्केट जाना है क्योंकि अपने और आने के लिए कपड़े लेके आने हैं, और इवनिंग में जो सैटरडे मार्केट लगती है वहाँ पे भी जाना है। राखी वगैरह मम्मी लेंगी क्योंकि मैं तो ऑलरेडी लेके आ ही चुकी हूँ, मम्मी को ही लेनी है। तो फटाफट से नहा लेती हूँ, टाइम 11 बज चुके हैं, लेट हो गई थोड़ा सा मैं आज, तो अभी फटाफट से नहा के आती हूँ, उसके बाद जाऊंगी छोटे वाले भाई के साथ जाऊंगी और आन्या को लेके जाऊंगी, क्योंकि हमेशा ना साइज का प्रॉब्लम हो जाता है उसके, कोई बहुत ज़्यादा लूज आते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब छोटे हो जाते हैं, तो उसको लेके जाऊंगी ना तो वहाँ पे ट्राई कर लूंगी तो फिर वो ठीक रहेगा। तो अपने तो मैं शोरूम से ही ले लूँगी भैया के, और लेकिन आन्या के फर्स्ट क्राई का शोरूम है वहाँ जाऊँगी, लेकिन मुझे एड्रेस कन्फर्म नहीं है। अगर वो नहीं मिला मुझे फर्स्ट क्राई का शोरूम कहाँ पर है तो फिर मैं जाऊँगी महागुन से ही लेके आ जाऊँगी। तो फटाफट से फ्री हो जाते हैं उसके बाद चलते हैं। तो अभी मैं हो चुकी हूँ फ्री, सारा काम हो चुका है, अभी मैं तैयार हो जाती हूँ और आन्या को मैंने सुला दिया था, तो जब तक वो सोएगी जब तक मैं अपने कपड़े वगैरह लेके आ जाऊँगी क्योंकि फिर वो परेशान करती है और उनका कोई भरोसा भी नहीं है क्योंकि कभी भी वो उठ सकती हैं। तो तैयार होके फटाफट जा रही हूँ, और एंजल को देखो बैठी कहाँ पे है। और ये मैं कर रही हूँ खाना पैक क्योंकि मैं जा ही रही थी, वैसे भैया वहाँ से किसी को भेजते हैं, एक भैया रहते हैं उनको वो लेने के लिए आते हैं खाना, लेकिन मैं जा रही थी, खाने का टाइम था लंच का, तो मैंने सोचा मैं लेके चली लेती हूँ। तो फिर रोटी और सब्जी पैक कर लेती हूँ और प्याज वगैरह रख लेती हूँ क्योंकि ये लौकी चने की दाल के साथ ना प्याज का सैलड जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। खाना ले लिया है, मैं जा रही हूँ और आन्या ना सो गई थी, तो मैं आन्या के कपड़े बाद में लेने के लिए जाऊँगी, पहले मैं अपने लेके आ जाती हूँ उसके बाद आन्या के लेने के लिए जाऊँगी, क्योंकि वो सो रही है ना फिर वो परेशान ज़्यादा करती है मुझे इस वजह से। और ना अंकल ने ना गाड़ी लगा रखी थी, मतलब वो ना ऐसी गाड़ी लगाते हैं, उनकी आदत ऐसी है कि बिल्कुल जगह ही नहीं रहती, कोई बंदा निकल ही नहीं सकता है, किसी की गाड़ी और की लग ही नहीं सकती, उनकी बहुत ज़्यादा गंदी आदत है। तो मैं सूट वगैरह तो देख रही थी, अन्य उठ गई, इतना ही जा रही हूँ उन्हें लेके आ जाऊँ पहले, फिर आऊँगी दोबारा। रेलिंग से देखा मैंने, बहुत तेज रो रही है,
दूध पी के नहीं सोई, मैंने बोला था बेटा पेट कुछ खा लो तब सोना, वरना नींद अच्छे से नहीं आएगी। चलो बेटा आने भी जा रही है मेरे साथ। तो सूट का कलेक्शन तो काफ़ी अच्छा था, समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लूँ, क्योंकि ना ऐसा होता है कि गन्ने के खेत में घुसते हो ना तो समझ में नहीं आता कौन सा गन्ना अच्छा है कौन सा बुरा है। तो डिसाइड कर लेती हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ना मुझे वो चीज़ मैं लेती हूँ जो मुझे एक नज़र में पसंद आ जाती है। तो देखते हैं कौन सा वाला सूट मुझे पसंद आता है। सो गाइस कपड़े वगैरह तो ले लिए मैंने, दो सूट पसंद आया मुझे, तो घर पे जाके दिखाऊंगी कौन कौन से, और आने के कपड़े शाम को लेने के लिए जाऊंगी। हाँ आइसक्रीम बेटा जब लगाएगा तभी तो लूंगी ना आइसक्रीम। फट नहीं गया कबुक्का? अच्छा लग रहा है। सो गाइज ये वाला सूट मैं लेके आई थी, ये एक ये है सूट और एक है ये वाला सूट, ये दो सूट लेके आई थी। तो अभी हो चुकी है शाम और आन्या ना वहाँ से दुकान से आई और वो सो गई थी क्योंकि ना उसकी कच्ची नींद वो उठी थी, तो इस वजह से वो दोबारा सो गई थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, अब आन्या के कपड़े और रह गए हैं, और अभी तो मुझे इवनिंग में मम्मी के साथ भी जाना है राखी लेने के लिए। सो फाइनली अब हम जा रहे हैं, अभी ना शाम हो रही है, हम लोग दोपहर में इसलिए नहीं आए थे क्योंकि अनुराग ना कहीं चला गया था, इस वजह से हेलमेट ले लिया है क्योंकि विदाउट हेलमेट चालान कट जाएगा, इस वजह से। आने इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है जाने के लिए, कह रही मम्मा जल्दी चलो, मतलब जितने भी काम मैंने बोला ना करने के लिए सारे कर लिए, क्योंकि मैंने बोला कि अगर आप नहीं करोगे ना तो फिर मैं आपके लिए कपड़े नहीं लूँगी। तो चलो फटाफट से चलते हैं, ले आते हैं इनके लिए भी कपड़े। तो देखो जरा भौंकना स्टार्ट जैसे हम लोग नीचे आए। आन्या एंजल बुला रही है बेटा। सो गाड़ी को लगा दिया मैंने पार्किंग में और अभी हम लोग जस्ट जा रहे हैं एंट्री करने के लिए मॉल में। मैं कपड़े वगैरह उसके ऊपर लगा के देख रही हूँ कौन सा उसके ऊपर जच रहा है, क्योंकि जो कपड़े सूट करते हैं ना बॉडी पे पहनने के बाद, तो मैं ट्राई वगैरह करूँगी, देखते कौन सा पसंद आता है। ये वाली फ्रॉक मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी क्योंकि ना इसको पहनाने के बाद ना इसके ऊपर खिल रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि यही वाली ले लेते हैं। तो देखते हैं कौन सी वाली मुझे पसंद आती है। ये नहीं बेटा आपकी साइज का नहीं है वो। सो शॉपिंग वगैरह तो मैंने कर ली है आन्या के लिए, आन्या इतनी ज़्यादा खुश है, कह रही मम्मा मेरे लिए साइकिल ले दो और आइसक्रीम ले दो। मैंने कहा साइकिल तो नहीं, आइसक्रीम तो यहीं पे ले दूँगी। तो आन्या ने ये सॉफ्टी देख ली तो एकदम से चिल्लाने लगी मम्मा हम सॉफ्टी खाएंगे, तो चलो इन्हें सॉफ्टी खिला देते हैं, इन्हें क्या हम तीनों ही लोग खा लेते हैं आन्या के बहाने। कैसी लग रही बेटा? आओ बेटा। मम्मा इसको ऐसे चाटते हैं। हाँ आपको कैसी लग रही है आइसक्रीम? टेस्टी सच्ची। आन्या अपनी आइसक्रीम नहीं खत्म कर पा रही, जल्दी से जल्दी खाओ बेटा, मुंह देखो। शॉपिंग वगैरह कर ली है, आइसक्रीम भी खा ली है, आन्या इतनी ज्यादा खुश है मैं आपको क्या बताऊँ। सो घर पे जाके दिखाऊंगी क्या लिया था इनके लिए, वैसे वीडियो में आपने देखा है कि जो मैं लास्ट में, फिर भी घर पे जाके दिखाऊंगी आपको। हाँ बेटा चल रहे हैं चल रहे हैं। हाँ बेटा
तो मॉल से मैं आ गई थी और ये मैं मम्मी को कपड़े वगैरह दिखा रही हूँ, देखो उन्हें कैसे लगते हैं कपड़े। तो गाइस मम्मी को कपड़े वगैरह दिखा दिए, मम्मी को बहुत अच्छे लगे कपड़े, वाकई में काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं। तो अभी ना हम लोग सामने, जो आज सैटरडे है ना, तो सैटरडे मार्केट लगी है, तो मम्मी को राखी वगैरह लेनी है, मैंने तो ले ली है राखी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सैटरडे मार्केट, आज तो पूरे दिन घूमते घूमते थक गई मैं। तो राखी की शॉप पे आ गए हैं और इतना ज़्यादा प्यारा कलेक्शन है, समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सी वाली राखी लें, क्योंकि सारी ही राखी बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। तो देखो कौन सी पसंद आती है, मम्मी मुझसे पूछ रही है बताओ कौन सी लें, और मैं मम्मी से पूछ रही तुम देख लो। राखी वगैरह तो ले ली है मैंने, मम्मी ने नहीं ली है क्योंकि ना मम्मी ने ली है, मैंने नहीं ली है, मेरे पास ऑलरेडी थी राखी है, राखी बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर है। आज ना मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप लोग देख सकते हो, मतलब डेली के हिसाब से आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि रक्षाबंधन है ना, तो ये लास्ट सैटरडे मार्केट है, तो ज्वेलरी कपड़े मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है मार्केट में, राखी राखी मतलब इतनी ज़्यादा रौनक सी लग रही है। और ये आने के लिए बनाना खरीद लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर रोएंगी अगर नहीं लेके गए। और ये टमाटर वगैरह ले लेते हैं, जो भी सब्जी लेनी है, और ये सेवैयाँ ले रहे हैं क्योंकि रक्षाबंधन पर बनाएंगे। आने सो चुकी हैं और मैंने खाना पीना खा लिया है, और आज इतना ज़्यादा थक गई हूँ मैं शॉपिंग करते करते, मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन जो भी ये राखी की शॉपिंग हो चुकी है, इधर देखो ये क्या हो रहा है, नींद में नहीं, सो गई। सो कंप्लीट राखी की शॉपिंग हो गई एंड आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर रक्षाबंधन। सो गाइज अभी ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। सो मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।